क्यूआरटी कमांडोज अपने जान की परवाह किए बगैर चलती बस में चढ़ जाते हैं। अब मैं आपका ध्यान दाहिने ओर ले जाना चाहूंगा जहां रिजर्व क्यूआरटी आतंकियों की गाड़ी का पीछा करती है, आतंकियों को रुकने की चेतावनी दी जाती है। नहीं रुकने पर अद्भुत बल कौशल दिखाते हुए फ्रंट पर अपनी डिटी ठहर आतंकियों को धीमा होने पर मजबूर कर दिया गया। क्यूआरटी कमांडो आतंकियों को रुकने की चेतावनी देता है, फिर भी नहीं रुकने पर जबरदस्त शॉकिंग इफेक्ट के साथ आघात। अब मैं आपका ध्यान पुनः मैदान के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा जहां ईगल्स हाईजेट बस का पीछा कर रहे हैं। खैर अतंकी रूप से कमांडो बस में प्रवेश करते हुए उनके साथ है K9 वॉरियर क्वेजा। लॉस्ट एरिया बैटल में पावर कमांडो ने बस को बलपूर्वक रोक दिया है और बस के रुकते ही K9 वॉरियर बोल्ट के साथ असॉल्ट टीम धावा बोलती है। हमले को नाकाम करने के बाद सभी टीम सेफली विथड्रॉ करती है। फौलादी शरीर पर लगभग 25 किलोग्राम अतिरिक्त वजन के साथ क्विक रिफ्लेक्सेस तथा अचूक निशाने का मास फाइटिंग की इस शानदार प्रस्तुति के पश्चात अब बारी छाव की। ब्रिटिश काल के दौरान प्रत्येक भारतीय विशेषकर महिलाएं एवं बच्चे युद्ध कौशल में पारंगत हो इस आवश्यकता को ध्यान में रख दिखावे के रूप में कला परंतु वास्तविक रूप से युद्ध कौशल सिखाना ही छाव का उद्देश्य था। इस प्रदर्शन से नारी शक्ति ने पुनः सिद्ध कर दिया है कि वो बुराई का अंत करने वाली शक्ति समन दस्ता त्वरित गति से कार्रवाई को अंजाम देते हुए घटनास्थल पर पहुंच रहा है जिसमें दोनों ओर से फाइव फाइटिंग बाइक्स फाइव टेंडर को हवा के रुख को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर पार किया गया, बचाव कार्य शुरू किया गया। आप अग्निशमन के दौरान पेट्रोल पंप पर एक फायर फाइटर को फ्यूल स्टेशन पर एल्यूमिनाइज फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर फ्यूल की आउटगोइंग वाल्व को बंद करते देख सकते हैं। तीन व्यक्ति जो आग की चपेट में आए थे उनमें दो व्यक्ति जमीन पर लेटकर रोलिंग करके बचाते हैं स्वयं को तथा एक व्यक्ति को फायर फाइटर द्वारा इम्प्रोवाइज ब्लैंकेट तथा उपलब्ध संसाधनों की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया तथा प्राप्त गया। और इसी बीच इस आग की हीट रेडिएशन के कारण नजदीक के गैस पाइपलाइन के फ्लेंज में गैस लीक होकर स्पार्क होने से आग लग गई है। मौजूद अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर बैकपैक होम एयर कंप्रेस सिस्टम के साथ फायर फाइटिंग हेतु अग्रसर है परंतु हीट रेडिएशन तथा क्लोरीफिक वैल्यू अत्यधिक होने के कारण आग के समीप जाकर फायर फाइटिंग कर पाना लगभग असंभव है। स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेटर द्वारा एल्यूमिनाइज फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर फ्लेंज के वाल्व को बंद किया जा रहा है। एक छोटी सी चूक और काकू के में भीषण आपदा की स्थिति है। और काकू के नजदीक के एलपीजी बुलेट में भी आग लग गई है और इस एलपीजी बुलेट के साथ ही अत्याधुनिक फायर फाइटिंग ड्रोन आप देख सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए तैयार हो चुका है। एलपीजी बुलेट की आग को नियंत्रित करने के लिए वाटर फाइन स्प्रे करते हुए बुलेट के तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है, साथ साथ रोबोटिक मॉनिटर को भी आप फायर फाइटिंग करते हुए देख सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक रोबोटिक मॉनिटर तथा फायर फाइटिंग ड्रोन और इसी बीच मैदान के मध्य में एक हाई रेज बिल्डिंग में धुएं का गुबार आग की लपटें उठते हुए दिखाई दे रही है। इस इमारत के सामने एक सर्विस बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई है। सूचना पाते ही सीआईएसएफ का अग्निशमन दस्ता तथा एनडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सीआईएसएफ अग्निशमन दस्ते के साथ भिलाई स्टील प्लांट का अग्निशमन दस्ता हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ राहत एवं बचाव कार्य हेतु पहुंचता है। सीआईएसएफ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम भी घटनास्थल पर पहुंचती है। मैदान के मध्य में जंपिंग कुशन की सहायता से घायलों को सुरक्षित बचाने का प्रदर्शन
सीएसएसआर टीम घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लेती है। स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरा, नाइट विजन बाइनोक्युलर इत्यादि मौजूद है। अंदर मिली जानकारी के अनुसार एक घायल व्यक्ति मौजूद है। हेडिंग सर्च तथा सर्च कैमरा की सहायता से विक्टिम की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया। आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा 70 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज को रोटरी रेस्क्यू सॉ तथा रेसिप्रोकेटिंग सॉ की सहायता से बखूबी काटा गया। हाइड्रोलिक कटर की सहायता से रॉड कटिंग करके फोर्सिबल एंट्री की जाती है। ऐसी संरचना में प्रवेश करते समय खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उजागर और ऊर्जावान जनता का दिखाया जा रहा है। ऑफ साइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट फायर सर्विस, स्टेट पुलिस इत्यादि घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, साथ साथ वाटर कर्टन बनाया गया है जिससे गैस के फैलाव को सीमित रखा जा सके तथा गैस का प्रभाव बचाव कर्मियों को नुकसान न पहुंचा सके। अग्निकर्मियों ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ब्रीदिंग अपरेटर सेट, विभिन्न प्रकार के केमिकल सूट को पहना है जो जहरीले तथा दूषित वातावरण में बचाव कर्मी को सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं डिजास्टर सिचुएशन के कारण फॉल्ट होने से इंडस्ट्री के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर की आग पर नियंत्रण के लिए रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोटिक मॉनिटर की सहायता से फाइन वाटर स्प्रे करके इसके तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है। तापमान नियंत्रण के साथ साथ इसी ट्रांसफार्मर में इनबिल्ट ऑटोमेटिक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम के इस्तेमाल से इस आग पर काबू पाया जाएगा। इसका उद्देश्य वाटर फाइन ड्रॉपलेट्स के इस्तेमाल से इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अग्नि पर नियंत्रण स्थापित करना है। आप देख सकते हैं रोबोटिक मॉनिटर अग्निशमन कार्य में संलग्न है। जहां फायर फाइटर का जा पाना संभव नहीं होता है, वहां अत्याधुनिक तकनीक रोबोटिक मॉनिटर की सहायता से अग्निशमन कार्य किया जाता है और इस प्रकार सभी अग्नि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन। आपके समक्ष अद्भुत हृदय स्पर्शी दृश्य कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत किया जाएगा। सीआईएसएफ के जाबाज अग्निशमन कर्मियों के निष्ठाभाव और कर्तव्य परायणता को देखकर मानो प्रतीत हो रहा है साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पाठ में, पूरा करूंगा कार्य कथनानुसार यथार्थ में, अथवा अधिक कहना वृथा है पाठ का प्रण है।